नमस्कार दोस्तों, स्वागत आज के एक और नई वीडियो में। तो अभी फिलहाल मैं रिवाल्सर में हूँ, वजह इसकी बताता हूँ। मैंने जाना वो सामने ना एक ना कोई पुरानी गुफा टाइप है कुछ, वो सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जाना है। और यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। सुबह से वेट कर रहा हूँ कि मौसम जो खराब हो रखा है ठीक हो जाए, बट और ज़्यादा खराब होता जा रहा है। देखना मौसम कितना खराब हो रखा है, बादल ही बादल हो रखा है, 2 दिन का मौसम खराब ही बता रखा है। शायद अगर कल बारिश आ गई ना तो कल भी यही गुरुद्वारा साहिब में रुकना पड़े। अभी सोच सोच के मैंने प्लान बना लिया कि चलते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। मेरे को यही डर है कि रास्ते में बारिश ना होनी शुरू हो जाए ना तो भीग जाएंगे, और उधर से ठंडी ठंडी हवा है, ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी बादल होने से, तो कहीं बीमार ना हो जाए। बट कोई ना, निकलते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। चलो जी, 2 दिन बाद बाइक स्टार्ट की है, आराम से होगी क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं है। ये है जी रिवाल्सर सिटी, बाहर बाहर से रास्ता जाता है उधर जो ऊपर की तरफ जाता, आगे से 2 रास्ते कटेंगे, आगे जाकर पूछते भी कौन से वाला रास्ता है। ये वाला टी पॉइंट है, इधर नीचे से मैं आऊँ और मेरे को राइट ऊपर की साइड जाना है, दुर्गापुर 7 किलोमीटर, श्री नैना देवी जी 10 किलोमीटर, मतलब 1-1.5 किलोमीटर आ गए होंगे शायद, वही 10 किलोमीटर रह गए। चलो जी, पहाड़ के ना बिल्कुल दूसरी साइड आ चुके हैं, रिवाल्सर परली तरफ रह गया। और ये इधर का नजर है भाई, संतरे लगे हुए हैं और नीचे ना इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना भाई साहब। दुर्गापुर 4 किलोमीटर रह गया अभी, जय नैना देवी जी। अच्छा गेट लगा, ऊपर जाना हमने तो भाई। ओ वाह जी वाह, ये वाला रास्ता है, बूढ़े नैना देवी मंदिर ये जाता रास्ता। कितनी दूर है? 7 किलोमीटर। अच्छा, इस गांव का नाम क्या है? सेला खाबू। सेला खाबू है। और ये संतरे या नींबू क्या चीज है? ये जमेरडी। जो खाने की होती है जमेरडी है भाई, जमेरडी। और इधर खेत है काफी खूब। नमस्कार जी, इसका नाम जमेरडी है? वैसे संतरे है ना ये? अच्छा, ये खट्टा होता है, ये किस काम आता है? अच्छा, ठीक है। बिल्कुल पहाड़ की ना चोटी के ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से जो नीचे से दिखाई दे रहा था ना पहाड़, वही है बिल्कुल। बहुत ही मस्त लोकेशन है भाई, मजा आ रहा है। ये काफी पुराना घर है भाई, ड्राम को काट काट कर ऊपर छत बना रखी है। पूरा सिंगल सा रास्ता इधर का, मतलब बस आई तो साथ में रास्ता नहीं मिलता निकलेगा, बहुत आराम से निकलना पड़ता है। बाइक यहाँ खड़ी की है, मैंने सोचा कि कोई गाड़ी वगैरह आ गई ना दिक्कत हो जाएगी, तो अभी देखना गाड़ी आराम से निकली ना कैसे, थोड़ी थोड़ी जगह। यहाँ पर व्यू था बहुत गजब का, इसलिए मैं रुक गया, मैंने सोचा आपको व्यू दिखाते खूबसूरत सा। तो भाई साहब ये देखो भाई, जन्नत सा नज़ारा है, पहाड़ी की चोटी के ऊपर सीढ़ी नुमा खेत है और खेतों के बीच लगी हुई गेहूँ। आए हाय, क्या गजब का नज़ारा भाई साहब। इधर सारा देखो वैली टाइप बनी हुई है, साइडों में पहाड़ और बीच में एक घाटी टाइप है, शायद छोटी सी कोई नदी भी जाती होगी। अलग ही नज़ारा है, बादल वाला मौसम बन रखा है ना तो और भी खूबसूरत लग रहा है। ओहो, 2 रास्ते हैं, कन्फ्यूजन है कौन सा रास्ता जाएगा माता नैना देवी की तरफ। पूछते हैं, ये दुकान है साथ में, यहाँ पर पूछते हैं। हेलो, नैना देवी रास्ता कौन सा जाएगा? ऊपर वाला। राइट वाला, ऊपर वाला। अच्छा, चाय भी बनाते हो? हाँ जी। चाय बनाते हो? बनाना एक चाय। तो अंकल जी बता रहे हैं, अगर आप बाई रोड जाओगे 5 किलोमीटर नैना देवी टेम्पल, अगर बीच में शॉर्टकट पगडंडी जाओगे फिर 2 किलोमीटर है। बट शॉर्टकट नहीं जाएंगे, बाइक अपने पास प्रॉपर चले जाएंगे, और दूसरा फिर खड़ी कहाँ करेंगे, ये भी चक्कर है ना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि हाइट पर आ गए ना बिल्कुल टॉप पर, इस चक्कर में ठंडी ठंडी हवा लग रही है भाई, बट अच्छी लग रही है। और जहाँ पर अभी रुका हुआ इस जगह का नाम है जी डो,
और यहाँ पर स्नोफॉल होती है, बट इस बार नहीं हो रही। अंकल जी बोल रहे इस बार नहीं होती, थोड़ी थोड़ी बट होती है भाई साहब। ठंडी ठंडी हवा हो, मौसम खराब हो, बारिश का मौसम हो, और चाय और साथ में नमकीन हो तो मज़ा ही अलग है भाई। ठीक है, फिलहाल चाय पी के निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। कच्चे कच्चे रास्ते हैं, अगर बारिश आ गई ना तो रास्ते पर मिट्टी आ जाएगी, फिसलन हो सकती है। चलो जी वहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़ाऊँ, ऐसा जंगल टाइप आ चुका है। बट ये देखो भाई, यहाँ ना लैंडस्लाइड होती रहती है, बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता आ जाता है बिल्कुल कहीं तो छोटा छोटा सा। ये कच्चे कच्चे से पहाड़ है ना, इसलिए टूटते फूटते रहते हैं और नीचे गिरते रहते हैं। चलो जी अभी जहाँ पर पहुँचो, इस जगह का नाम है जी कुंती बेओ। यहाँ से ना ये लेफ्ट वाला रास्ता जाता है, ये जाता है पटड़ी घाट 6 किलोमीटर, और हमने राइट जाना है नैना देवी जी, 3 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और ऐसा कुछ नज़ारा है इधर का भाई, ये देखो पीछे ना एक सरोवर टाइप भी बना हुआ है। चलो जी ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा है, ये गेहूं और सरसों की खेती है, साथ में सरोवर है। कुंती बेओ में शायद माता कुंती के नाम से ऐसा कुछ बना होगा, उसी के चक्कर में होगा। और उधर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा, वो सामने भगवान हनुमान जी की प्रतिमा वो देखो भाई। और इसके शायद 3 या 4 मुख बने हुए हैं, इसका लॉजिक तो पता नहीं, बाकी लोकेशन बहुत ही मस्त है। बीच में ना ऐसे बना हुआ जैसे बीच टाइप होता है, उधर गाड़ियाँ टूरिस्ट वगैरह खड़े हैं। ये काफ़ी खूबसूरत जगह भाई, बहुत ही ज़्यादा। अंकल जी वो गुफा किधर है? हाँ जी अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं? कुंता बेओ। ये सरोवर है? अच्छा अच्छा, ऐतिहासिक जगह ये भी कोई है ना? कुंती माँ को प्यास लगी थी। हाँ जी हाँ जी, अर्जुन ने तीर मारा था तब करके पानी निकला हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, अर्जुन के तीर से बनी है ये। वाह जी वाह, तो पानी इसमें नीचे से आता है, पहाड़ों का आता है? नीचे से आता है, कोई पता नहीं कितना गहरा है। अच्छा, गहराई नहीं पता इसकी? कोई पता नहीं जी। वाह जी वाह, तो ठीक है, तो थोड़ा नीचे आ गया है दस, ये रास्ता जो है यहाँ तक पानी रहता है इसका, ऊपर तक यहाँ तक। हाँ, जो अखरोट का पेड़ है ना जी, अखरोट के पेड़ है सूखे सूखे? अखरोट के पेड़ है। ओके ओके, तो अभी पानी कम क्यों है? बरसात में ज्यादा होता है? हाँ, बरसात में तो ज्यादा होना, परंतु आजकल कम हो जाता है, फिर इसका पानी चले जाता है सरका घाट तक पीने के लिए। अच्छा अच्छा, ये पाइपलाइन इसी में से गई हुई है जो इधर नीचे नीचे गई है? नहीं नहीं, ये तो अलग पानी है, तो वहाँ से आया हुआ है कांडापत्न से। अच्छा कांडापत्न, परंतु ये यहाँ का पानी जो नीचे घुटे है 1.5-2 इंच पानी। अच्छा अच्छा, इसका पानी जाता नीचे फिर है पीने के लिए? हाँ पीने के लिए। ओके, पीने का पानी। और अच्छा, इसी गांव का नाम है जी कुंती बेओ है? इस गांव का नाम है सरकीधार। सरकीधार, हाँ जी, इसका नाम है कुंतबेओ। कुंतबेओ, अच्छा जगह का नाम, इस जो सरोवर टाइप है इसका नाम है कुंतबेओ, वैसे सरकाधार है जी। ऐसे 7 सर है वहाँ पर, ऐसे भी है ना इस धारा की पल्ली तरफ से, मतलब 7 सर हैं इसके? इसके 7 सर हैं, एक उसमें खदला पानी होगा, एक उसमें नीला होगा, एक काला होगा। अच्छा अच्छा, तो 7 किस्म के जो हैं। ये दूसरे सर किधर है इसकी? पल्ली तरफ है नीचे, वो आगे जाकर वहाँ इतना पानी नहीं होता है। अच्छा, पानी कम होता है वहाँ पर, खदला होना, कहीं उन्हें काला होना, अलग अलग रंग का होगा जी। हाँ बस बस, ठीक है ठीक है। और भगवान हनुमान जी की प्रतिमा, इतने 3-4 सर क्यों बने हैं? ये पंचमुखी हनुमान है जी। पंचमुखी हनुमान जी, अच्छा जी ठीक है। और गुफा आ गई है? गुफा आ गई है जी। ठीक है जी, इसी रास्ते पर आएगी? बस इसी रास्ते में आएगी। ओके जी, धन्यवाद जी। वो एक दुकानें भी है ना? हाँ जी, वहाँ बस वहाँ से गेट लगा हुआ है। हाँ? उसकी ऊपरी तरफ साथ में। कितनी दूर है वहाँ गेट से? वहाँ दुकान से, हाँ एक ही दुकान है, एक दुकान है वहाँ, उसके साथ में गेट लगा हुआ है, वो नैना माता के मंदिर का भी है और वहीं वो गुफा भी है। बाइक से जाना, पैदल जाना पड़ेगा गुफा में? हाँ गुफा में तो पैदल जाना पड़ेगा, ऊपर मंदिर में वहाँ तक तो गाड़ी जाती है। ठीक है ठीक है, ओके धन्यवाद जी। जो मैं नीचे से आपको पहाड़ दिखा था ना अभी, पांडव गुफा इधर है, वो वाला पहाड़ ये वाला आप देख सकते हो, कितनी खूबसूरत लोकेशन पर बसा हुआ है। और नीचे भाई साहब कितनी गजब की जगह है भाई, और ये जो 7 ताल बोल रहे होंगे शायद वही होगा जी। बाइक वहाँ पर खड़ी कर दी है, और यहाँ दुकान पर हेलमेट और ग्लव्स वगैरह रख दिए हैं। अंकल जी से पूछ ले, वो बोल रहे यही रास्ता ऊपर पांडव गुफा जाने का, वहाँ पर गुफा के अंदर ना एक मूर्ति है, वो दिखाएंगे आपको, है नैना माता दी। ठीक है, फिलहाल चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का, वहाँ का कुछ खूबसूरत सा नज़ारा भाई, बहुत ही शांत और अलग सी जगह है, खूबसूरत नज़ारे हैं,
मजा आता है ऐसी जगह पर आने पर। एक गुफा इधर भी है पर ये थोड़ी सी है भाई, छोटी सी है बस। ओ नहीं नहीं काफ़ी गहरी है भाई, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाकर दिखाते हैं। ऊपर जाते आपको ना ऐसे बुद्धा जी के फ्लैग दिखाई देंगे। यहाँ पर बुद्ध धर्म के ना तीन फ्लैग हैं, एक दो और साथ में तीन, एक चौथा ही है अभी, चार है और ऐसे दूसरे फ्लैग है। इधर ही माने टाइप है साथ में जी। यहाँ ऊपर आकर दो रास्ते थे, एक ही रास्ता ऊपर जाता है यहाँ, लेकिन दी सीक्रेट केव ऑफ गुरु पद्माश्रम गावा ऐसा कुछ, और जो नीचे गुफा में जाना है इधर से भी रास्ता है। फिलहाल हम इधर से जा रहे हैं और दिखाते हैं वो गुफा, सीक्रेट गुफा कोई। वाह जी वाह, ये पहाड़ों के अंदर ही बनी हुई है। ओहो ये है जी वो गुफा नीचे, ये बुद्धा जी से रिलेटेड है और पांडवों से रिलेटेड वो पता नहीं, समझ नहीं आया मेरे को। ये इधर देखो भाई बुद्धा जी की मूर्तियां हैं सामने सारी, और अभी आगे चलते हैं गुफा में। ऐसा कुछ नज़ारा इधर का, इधर भी भगवान बुद्धा जी की प्रतिमा मिलेंगी। ये सारा देखो पहाड़, आगे रास्ता भी जाने का ठीक है जी। एक तो ये भगवान बुद्धा जी की काफी बड़ी प्रतिमा ना इसके अंदर बनी हुई है पहाड़ों के अंदर भाई, देखो क्या खूबसूरत जगह है। और अभी आगे चलते हैं, और गहरी गुफा है भाई, और गहरी। वाह जी वाह, तो यहाँ पर दी एंड है। ये भी प्रतिमा है, पता नहीं कौन सी माता जी की है। ठीक है फिलहाल यहाँ फल फ्रूट पड़े हैं, हम नहीं छेड़ेंगे भाई, और इधर ये जल पड़ा है इनमें। ठीक है फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं वहाँ कुछ अलग है। तो कौन से गुरु जी की गुफा है जी? गुरु पद्म संभवा। गुरु पद्म संभवा, अच्छा पांडव गुफा बोलते थे ना, लेकिन वो क्या चक्कर है? पांडव गुफा, अच्छा ये गुरु जी का ही गुफा है। अच्छा गुरु जी की, अच्छा मेरे को थोड़ी गलत। अंदर देखो, अंदर देखा है? हाँ जी हाँ जी, ये है मंडी राजा के बेटी जो अंदर है। हाँ। नाम क्या है? लचा मंदरा। लचो मंदरा जो मंडी के महाराजा थे, उनकी बेटी है। उनको भगा के लाया लमन जी ने ना। अच्छा अच्छा, फिर यहाँ छुपने आए तू ऐसा ना, उनको भगा के लाए थे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आके छिपे थे। हाँ 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 हाँ, राजा ने बड़ा परेशान किया गुरु जी को। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आके फिर छिपे थे। ठीक है जी, ठीक है, ओके, धन्यवाद जी ऐसी जानकारी देने की। ठीक है जी, जो लोगों से लेंगे ना जानकारी। हाँ जी हाँ जी, जानकारी आने से दो आप, ये इनको पूरा, हमको, हम भी आपकी तरह दर्शक किए। अच्छा अच्छा, बस यही जानकारी होगी, यहाँ गुफा से रिलेटेड यही होगा मेरे हिसाब से ना। ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद जी। आपने सुनी लिया जो कुछ था वो भाई, अभी चलते हैं नैना देवी टेम्पल। तो मेन गुफा यही थी, इधर माता जी ना, इसको माने बोलते हैं जो घुमा रहे हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आने 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 बोलते हैं जो बुजुर्ग होते हैं। तो ठीक है, अभी धूप पूजा कर रहे हैं इधर अंकल जी, और अंकल जी और किन्नौर से आए हैं सभी इधर। किन्नौर में अभी बर्फबारी ज्यादा है ना, इसलिए इधर आ जाते हैं ना सभी। रिवालसर में, आप रिवालसर में रुके हुए हो? ठीक है ठीक है। लो जी नैना देवी 800 मीटर रह गया, बट चढ़ाई बहुत ही तगड़े वाली है भाई। बाइक दूसरे गियर में ना पूरी दब रही है, कई बार पहला गियर लगाना पड़ता भाई साहब। सीधी खड़ी चढ़ाई है, तो गुफा के पास से ना पैदल रास्ता भी था ऊपर जाने का, बट मेरे पास बाइक थी ना इसलिए बाय रोड ही आ रहा हूँ। और ये सारा जंगल है, सुनसान एरिया भाई, बस भी आती है इधर। तो लो जी पहुंच चुके माता नैना देवी टेम्पल पर। जैसा नीचे गेट बना होता ना, जब नीचे चढ़ाई से चढ़ते वैसे गेट बना, बिल्कुल टॉप पर है इस पहाड़ी की, बिल्कुल सिरे पर आकर है, सीधी चढ़ाई है भाई, बहुत ही तेज वाली। लो जी वहां से आए हैं, इधर सारी पार्किंग है, बाइक पार्क कर दिया, अभी चलते हैं आगे दरबार पर। और ये कोई रेस्ट हाउस है साथ में, टावर भी लगा हुआ भाई। तो
तो लो जी मेन दरबार में पहुंचने वाले हैं। जैसे साइडों में दुकानें उतनी सेम वैसे ही हैं, कृपया जूते यहाँ उतारे, इधर वाशरूम है। ठीक है चलते हैं अभी आगे। जूते पीछे उतार दिए थे, पीछे जूता घर है ना, जोड़ा घर बोलते जैसे, तो इधर लंगर व भंडारे के लिए रास्ता, इधर नहीं जाना हमें, यहाँ पर माता जी के दर्शन करने ना, तो इधर से जाना पड़ेगा शायद, देखते इधर से ही चलते हैं भाई। बकरी को यहाँ पर पानी डालें, इसका क्या लॉजिक है? ये सराय है नीचे और मेन मंदिर इधर ही है, अभी पता नहीं। हाँ ये तो बंद है इधर, तो उधर से भी रास्ता, इधर से जाते हैं भाई, शायद इधर से होगा, कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ना। वाह जी वाह, ओह ये बड़े वाला, ओह वाह। ठीक लो जी, इधर से रास्ता, इधर तो दूना वगैरह, ओह वाह जी वाह, इधर भी है, ओह हो ये इधर दूना चल रहा है, और इधर माता रानी का दरबार। ठीक है जी, ये था माता नैना देवी का टेंपल, अभी चलते हैं, अभी सीधा गुरुद्वारा साहिब में मिलेंगे, मौसम ख़राब है, रास्ता आते हुए मैंने दिखाई दिया कैसा कैसा रास्ता है, चलते हैं फिलहाल। वाह जी वाह, गुरुद्वारा साहिब भी पहुंच चुके और बारिश भी शुरू हो चुकी है, शुक्र है कि पूरे पूरे टाइम पर पहुंच चुके, नहीं तो बीच जाते। ठीक है अभी कमरे पर चलते हैं। शाम के 8 बजे करीब का टाइम हो चुका है, खाना वगैरह खा के रूम पर आ चुका हूं और बाहर तगड़े वाली बारिश शुरू हो चुकी है भाई साहब। अगर कल भी बारिश होती रही तो यहीं पर रहना पड़ेगा, अगर बारिश रुक गई तो फिर निकल जाएंगे आगे अपने सफर पर, कहां जाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। ठीक है आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।